वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम बैक एट बीबीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन बात करते हैं बिजनेस स्टडीज के क्लास 11th की। इन आवर प्रीवियस क्लास अपन ने अपनी पिछले क्लास में जॉइंट स्टॉक कंपनीज के बारे में डिस्कस किया था, जॉइंट स्टॉक कंपनीज का मीनिंग पढ़ा था, उसकी मेरिट्स डीमेरिट्स के ऊपर डिस्कशन किया था, और अपनी पिछली क्लास के अंदर अपन ने उसके टाइप्स पढ़े थे। तो मेजर रूप से अपन ने जॉइंट स्टॉक कंपनी को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन सा था? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी, दोज कंपनीज विच कैन यूज द नेम प्राइवेट लिमिटेड, and the public company, which company that can use the name of limited. One person company, after the implementation of Company Act 2013, it can be introduced. So, clear hai? Aaj apan baat karte hain apne is topic ke andar differences between private company and public company. Aaj apan ye kya kar rahe hain? Private company aur public company ke beech ke differences ko discuss kar rahe hain. Aapko ye cheez बहुत अच्छी तरीके से समझनी है, क्योंकि यही टॉपिक प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का जो है वो अपने अगले साल 12th में भी दोबारा से काम आने वाला है। देखिए अपन ने क्या लिख रखा है, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कि प्राइवेट कंपनी के अंदर कितने मेंबर होने चाहिए और पब्लिक कंपनी के अंदर कितने होने चाहिए। इन आवर डेफिनेशन अपन ने अपनी डेफिनेशन में भी पढ़ा था, देयर आर द टू मेंबर, मिनिमम आर 2 मेंबर एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी, एंड इन पब्लिक कंपनी देयर आर इन 7 मेंबर्स, मिनिमम 7 मेंबर्स और मैक्सिमम नो लिमिट पढ़ा था अपन ने। यानी कि पहला ही डिफरेंस अपना ये हो गया नंबर ऑफ मेंबर्स का, कि प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर्स आर रिक्वायर्ड 2 एंड मैक्सिमम नंबर्स आर 200, बट इन पब्लिक कंपनी मिनिमम मेंबर्स आर रिक्वायर्ड 7 एंड द मैक्सिमम नंबर्स आर नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं होती है। दूसरा अपना डिफरेंस आता है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कि भाई प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स कितने होंगे और पब्लिक कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर है। तो देयर आर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड इन प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 2 डायरेक्टर। मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। और बट इन पब्लिक कंपनी देयर आर 3 मिनिमम डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। कितने डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है? मिनिमम 3 डायरेक्टर्स आर कंपल्सरी, उनके लिए 3 डायरेक्टर्स कंपल्सरी होने चाहिए। फिर अपना आ जाता है इनवाइटिंग टू जनरल पब्लिक। प्राइवेट कंपनी डज नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, यानी कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स, अपनी सिक्योरिटीज, अपने डिबेंचर्स, अपनी पब्लिक डिपॉजिट्स को जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती है। अपन ने पढ़ा था कि दोज शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल, यानी कि वो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, ट्रांसफर भी नहीं होते हैं, और उनको जनरल पब्लिक को भी सेल नहीं किया जा सकता। बट इन पब्लिक कंपनी डज इनवाइट टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज टू द जनरल पब्लिक, यानी कि पब्लिक कंपनी अपनी कैपिटल कलेक्ट करती है किससे? जनरल पब्लिक से। इट मीन्स पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है टू सब्सक्राइब द पब्लिक द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। और सिक्योरिटीज की अगर बात करें तो क्या क्या हो सकता है? शेयर्स, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स जो है वो कंपनी क्या करती है? जनरल पब्लिक को सेल आउट करती है और अपनी कैपिटल कलेक्ट करती है। क्लियर है? बात करी अपन ने आगे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। जब प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, क्योंकि उसको ये चीज है ही नहीं कि वो जनरल पब्लिक को इनवाइट करे अपनी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए, देन इट डज नॉट परमिटेड टू ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स, यानी कि प्राइवेट कंपनी को ये परमिशन नहीं होती है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सके। लेकिन बट इन पब्लिक कंपनी फ्री फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स, यानी कि पब्लिक कंपनी ये चीज के लिए फ्री रहती है, उसको परमिटेड रहती है, परमिशन ग्रांटेड रहती है। इट मींस इन पब्लिक कंपनी ए शेयर होल्डर इजीली कैन ट्रांसफर इट्स मेंबरशिप और इट्स शेयर्स व्हेन ही रिक्वायर्ड द कैश बैलेंस। अगर एक शेयर होल्डर को कैश की रिक्वायरमेंट होती है तो उस टाइम पर वो अपने इस मेंबरशिप को, अपने इस शेयर होल्डर को, शेयर्स को इजीली दूसरे पब्लिक को या दूसरे पर्सन को, किसी भी को इजीली सेल कर अपनी कैश बैलेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इजीली ट्रांसफरेबल होता है पब्लिक कंपनी के अंदर, शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, शेयर्स को ओपन मार्केट के अंदर अपन सेल और परचेज कर भी सकते हैं। बट इन प्राइवेट कंपनी इट डज नॉट परमिटेड, यानी कि जो शेयर्स होते हैं वो इजीली ट्रांसफरेबल होते ही नहीं है, यानी कि परमिशन अलाउ ही नहीं होती उनको। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट अपन ने लिखा, मिनिमम पेड अप कैपिटल इन प्राइवेट कंपनी देयर आर रुपीज 1 लाख आर रिक्वायर्ड टू मिनिमम पेड अप कैपिटल। अपन ने कैपिटल की बात करी थी तब अपन ने कहा था कि इस कैपिटल स्ट्रक्चर को, जो सब्सक्रिप्शन है कैपिटल का, उसको अपन आगे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो पेड अप कैपिटल मैंने ये बताया था आपको उस टाइम पर भी, यहां पर एक बार अपन दोबारा बात कर लेते हैं। पेड अप कैपिटल मींस, पेड अप कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल That is the subscribed by the public, यानी कि पब्लिक कंपनी के अंदर पेड अप कैपिटल वो कैपिटल हो जाती है जो पब्लिक द्वारा शेयर्स खरीद लिए गए हैं और जितने रुपए का पेमेंट कंपनी को कर दिया गया हो, पेड अप कैपिटल। इन पब्लिक कंपनी द मिनिमम पेड अप कैपिटल मस्ट बी रुपीज 5 लाख, कितनी होनी चाहिए? 5 लाख होनी चाहिए। बट इन प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के अंदर कंपनी अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को सेल नहीं करती, यानी कि जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करती। इट मींस जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं वो उसके ओनर्स और डायरेक्टर्स ही परचेज करते हैं। उस कंडीशन में उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1 लाख रुपीज। तो अगर मिनिमम पेड अप कैपिटल की बात करी गई तो प्राइवेट कंपनी में 1 लाख रुपीज और इन पब्लिक कंपनी मिनिमम 5 लाख रुपीज। अपना लास्ट टॉपिक आ जाता है प्रोस्पेक्टस। व्हेन प्राइवेट कंपनी डज नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज देन ही नीड नॉट इश्यू द प्रोस्पेक्टस। जब एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को और अपनी सिक्योरिटीज जनरल पब्लिक को सेल नहीं कर सकती तो उस कंडीशन में उसको प्रोस्पेक्टस इश्यू करना भी जरूरी नहीं होता है। अब प्रोस्पेक्टस एक वर्ड आ जाता है। प्रोस्पेक्टस होता क्या है? व्हेन कंपनी इश्यूज स्टार्टिंग इश्यूज अ प्रोसेस ऑफ शेयर्स, शेयर्स की प्रोसेस को स्टार्ट करती है, उसके पहले वो अपनी एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है जिसके अंदर की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द जनरल पब्लिक रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज। उस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करवाने के लिए कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। अब प्राइवेट कंपनी तो अपनी शेयर्स को जनरल पब्लिक को इनवाइट करती नहीं है, सेल करती नहीं है, तो उसको प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के लिए की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। बट इन पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को सेल करती है, अपनी कैपिटल जनरल पब्लिक से कलेक्ट करती है, उस कंडीशन में पब्लिक कंपनी को एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत हो जाती है। यानी कि इट इज कंपल्सरी फॉर पब्लिक कंपनी टू इश्यू ए प्रोस्पेक्टस बिफोर स्टार्टिंग द इश्यू प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है? तो आज की अपनी इस क्लास के अंदर अपन ने क्या किया, डिफरेंसेस की बात करी। डिफरेंसेस किसके बीच में? पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच में। एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं इसको। पहला टॉपिक नंबर ऑफ मेंबर्स। इन प्राइवेट कंपनी मिनिमम मेंबर्स आर 2 एंड मैक्सिमम नंबर्स 200। इन पब्लिक कंपनी मिनिमम मेंबर्स आर 7 बट मैक्सिमम नंबर्स नो लिमिट। नंबर ऑफ मेंबर्स के बाद में अपन ने बात करी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की। इन प्राइवेट कंपनी देयर आर द 2 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड बट इन पब्लिक कंपनी देयर आर 3 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। क्लियर है? इनवाइटिंग टू जनरल पब्लिक प्राइवेट कंपनी डज नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज बट पब्लिक कंपनी डज इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज। बात करिए अपन ने ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी डज नॉट परमिटेड टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ठीक है, पब्लिक कंपनी डज फ्री फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यानी कि पब्लिक कंपनी के अंदर शेयर्स को ट्रांसफरेबल करने के लिए वो फ्री रहते हैं, इजिली ट्रांसफरेबल हो जाते हैं। मिनिमम पेड अप कैपिटल इन प्राइवेट कंपनी, मिनिमम पेड अप कैपिटल इज रिक्वायर्ड 1 लाख बट इन पब्लिक कंपनी मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड 5 लाख। प्रोस्पेक्टस इन प्राइवेट कंपनी नीड नॉट इश्यू प्रोस्पेक्टस, उसको प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अपनी सिक्योरिटीज को जनरल पब्लिक को शेयर सेल नहीं करती है। बट इन पब्लिक कंपनी इट इज कंपल्सरी टू इश्यू ए प्रोस्पेक्टस बिफोर स्टार्टिंग द इश्यू ऑफ प्रोसेस। ठीक है, इश्यू प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले पब्लिक को के लिए प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पब्लिक कंपनी के लिए कंपल्सरी हो जाता है। क्लियर है?
अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में अपन बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की, कि जो पब्लिक कंपनी के फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, क्या क्या इसकी प्रोसेस हो जाती है। आज की अपनी इस क्लास के अंदर जो अपन ने डिस्कस किया है, आपको इसको दोबारा से रिकॉल करना है, इसकी स्टडी करनी है। ठीक है, थैंक यू।